आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। पोहा मैंने हाफ कटोरी लिया है, आप जितना लेना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी फिर बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छी तरह छान के वॉश करके रख लिया है और ये छलनी में मैंने रख लिया, जितना पानी है वो टपक जाएगा। नेक्स्ट आपने जो भी वेजिटेबल्स लेनी है उसे धोकर साफ करके काट लीजिए। और ये हमारे कुछ मसाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। पोहे को थोड़ा सा आप हिला लें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब देखिए ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है और खिला खिला है। अब हमने कढ़ाई जो है वो गरम करके इसमें थोड़ा सा तेल ले लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं मस्टर्ड सीड, जीरा, करी पत्ता और ये रोस्टेड मूंगफली है। अगर आप कच्ची मूंगफली लेंगे तो उसको पहले रोस्ट कर लेना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं अनियन, इसे थोड़ा सौते कर लेंगे। ये अनियन हमारा जो है थोड़ा सा भून चुका है, सौते हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। आलू मेरे पास उबला हुआ आलू था तो मैंने आधा इसे बारीक बारीक काट लिया। अगर कच्चा आलू लेंगे तो उसे पहले आपको फ्राई करना पड़ेगा। तो उसके साथ सबसे पहले सब्जी में आलू डालकर उसे थोड़ा सा गला लें। आलू को मैं सबसे पहले डालकर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगा ताकि इसका टेस्ट और अच्छा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। आप जो हैं इसमें मटर भी डाल सकते हैं। अगर आपने फ्रेश मटर डालने हैं तो वो भी पहले डाल दीजिए और थोड़ा सा कुक कर ले ताकि वो थोड़े से गल जाएं। अगर फ्रोजन मटर डाल रहे हैं तो वो वैसे ही इसके साथ ही हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा सब्जियों को कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने गलानी नहीं है लेकिन इतनी हो जाए कि वो एक थोड़ी गल जाए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक सब्जियों के हिसाब से, बाकी मैं बाद में डालूँगी। और इसको अच्छी तरह हिला देना है जब हमें लगे कि सब्जियाँ जो है थोड़ी सी कुक हो गई हैं और क्रंची भी हैं, तब हम इसमें पोहा डाल। ये सब्जियाँ जो हैं थोड़ी सी पकाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कवर कर रही हूँ और फिर चेक कर लेंगे। और जब ये थोड़ी सी हल्की सी कुक हो जाएंगी तो फिर इसमें पोहा। चलिए अब चेक कर लेते हैं सब्जियाँ। सब्जियाँ जो हैं ये क्रंची भी रहनी चाहिए और थोड़ी सी कुक हो जाएँ। तो ये देखिए ये सब्जियाँ जो हैं हमारी कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे पोहा। अब इसमें हम डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक क्योंकि मैंने हल्का सा पहले भी डाला था तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और चिल्ली पाउडर जितना आप मिर्ची पसंद करते हैं, तीखा पसंद करते हैं। और अगर हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने डाला है हल्दी पाउडर। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें से हल्का सा 2 चम्मच पानी डालना है और 2 चम्मच पानी डाल के इसको हिलाकर ढक देंगे कुछ सेकंड्स के लिए और फिर हिलाएंगे ताकि ये सारे मसाले जो हैं अब्सॉर्ब हो जाए। और आप मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसे हिलाएं। देखो कुछ ही सेकंड्स बाद इसको हिलाइए और देखिए ये बिल्कुल कुक हो चुका है, अच्छी तरह सब मसाले इसमें अब्सॉर्ब हो चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं धनिया। यहीं पे आप जो है आप इसका नमक का टेस्ट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर नमक कम हो या चिली फ्लेक्स की और ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। ये अब रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसे गर्मा गर्म आप खाइए।
गर्मा गर्म पोहा बनकर तैयार है। ये हमने गार्निश किया है धनिया पत्ता के साथ। इसे आप खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आधी कटोरी जो है पोहा के साथ इतना एक प्लेट जो है बन गया है।